मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। सिलेंडर के साथ साथ हुई सांप की भी डिलीवरी और घर में मच गया हड़कंप। चलिए जानते हैं पूरा मामला कहां से आ रहा है, इसके ऊपर नजर डालते हैं। आप लोगों के घर में भी सिलेंडर आते हैं, आप लोगों को भी ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है कि आखिरकार ये सब चीजें क्या हुई है। तो चलिए हम आपको बताते हैं पूरी अपडेट। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप लोगों को पता है कि सिलेंडर तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है और जब भी सिलेंडर खत्म होता है तो आप लोग ऑर्डर कर देते हैं। उसी के साथ साथ जैसे कि बारिश का सीजन है और जो सिलेंडर रखे जाते हैं वो काफी खुली जगह में रखे जाते हैं, उस दौरान ही सिलेंडर के नीचे एक्चुअली में कुछ जगह रहती है और उस दौरान वहां पर काफी ज्यादा जहरीली चीजें भी छिप सकती हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग आपको बताएं कि हरियाणा के फतेहाबाद में एक प्रभाकर कॉलोनी है, वहां पर एक व्यक्ति ने अपने घर के लिए एक सिलेंडर जो है वो ऑर्डर किया और ऑर्डर करने के साथ ही जब वो घर पे सिलेंडर आया तब उन्होंने सिलेंडर को जब उल्टा के देखा, जब रख ही रहे थे तब सांप की पूंछ उनको दिखाई दी, तब उन्होंने सिलेंडर को वहीं पे छोड़ दिया और घर में पूरी हड़कंप मच गई। उसी के साथ उन्होंने जीवन सुरक्षा डॉक्टर गोपी को वहां पर बुलाया और गोपी जो डॉक्टर गोपी है वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने सांप को पकड़ा और उस दौरान ही वन विभाग में जो जंगल में है उन्होंने छोड़ दिया। इस दौरान ही उन्होंने ये भी चीज बोली कि कभी भी आपके घर में सिलेंडर या कोई भी चीज ऐसी डिलीवर होती है तो आप लोगों को इसका ध्यान रखना काफी ज्यादा जरूरी है कि वहां पर कोई जहरीली चीज तो नहीं छुपी हुई है, क्योंकि ऐसे किस्से जो सिलेंडर के नीचे की बात है ये एक्चुअली में काफी सारे आते हैं। पर अगर कोई आप सिलेंडर आप ऑर्डर करें और उसके साथ डिलीवर सांप भी हो जाए तो ये काफी ज्यादा डराने वाली बात है। तो गाइज आप अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अगर कोई भी चीज अगर आप मंगाते हैं तो उसकी पूरी छानबीन कीजिए, देखिए उसके आगे पीछे कि वो ठीक है, सही सलामत है, कोई चीज आपके घर में उस द्वारा आ तो नहीं रही है। तो आई होप गाइज आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, आप भी ध्यान जरूर रखेंगे। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।